क्वेश्चन है, कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। डीसी करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एसी सोर्स, ये ईएमएफ है, ई नॉट कॉस 100 पाई टी कॉस ऑफ 500 पाई टी, ये ईएमएफ है, कैपेसिटर के ऊपर हमने लगा दी विद रेजिस्टर। स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी, इतना करंट देखा गया, मतलब हमने ये ईएमएफ लगाई कैपेसिटर में और इतना करंट देखा गया, तो आपको बताना है कि आई टू बढ़ा है कि आई वन बढ़ा है। अब इसको करने के लिए ये हमने ईएमएफ लगाई, ईएमएफ लगाई तो कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, सी इंटू वोल्टेज, ये ईएमएफ से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, चार्ज आ गया। कैपेसिटर में करंट क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें डी क्यू बाई डी टी, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, माइनस बाहर आ गया, साइन 100 पाई टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ 100 पाई टी की जगह 100 पाई, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन, माइनस बाहर आ गया, साइन ऑफ 500 पाई टी इंटू 500 पाई। तो आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे, तो आपके पास ये टर्म आ जाएंगी, ये टर्म आ गई, और हमें करंट ऐसे गिवन है, साफ पता लग रहा है आई वन का मतलब ये रहा, आई टू का मतलब ये रहा, आई टू में 500 पाई आ रहा है, आई वन में 100 पाई आ रहा है, तो आई टू ग्रेटर देन आई वन। तो इसका शॉर्टकट यही है, वैसे बता देता हूँ कि आपको ये ई एम एफ गिवन है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करके कोफिशियंट तो बाहर आएंगे ही, तो जिसका बड़ा कोफिशियंट होगा वो बड़ा करंट हो जाएगा, आई टू ग्रेटर देन आई वन। ठीक है यहाँ तक, ये भी मेडिकल के लिए थोड़ा मुश्किल है आना, ठीक, ये आ सकता है। पीक वोल्टेज इन 200 वोल्ट एसी, 200 वोल्ट एसी का मतलब कौन सी वोल्टेज है, आरएमएस। पीक वोल्टेज निकालनी है तो पीक वोल्टेज बाय रूट टू क्या होता है, ई आरएमएस, तो ई नॉट क्या होगा, रूट टू इंटू ई आरएमएस। क्लियर है यहाँ तक, ये इजी है, ठीक। नेक्स्ट, एसी सोर्स इज रेटेड 220 वोल्ट, आरएमएस वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एवरेज वोल्टेज इज कैलकुलेटेड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड। तो कह रहा है एवरेज वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ टाइम 0.01 सेकेंड में, तो बताओ एवरेज वैल्यू जीरो आएगी, शायद जीरो आएगी, आ भी सकती है, कभी जीरो नहीं आएगी, या ये होगी, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो है तो नॉन मेडिकल वालों के लिए ही, क्योंकि आपको इसमें ना एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो मैं मार्किंग करवा रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें थोड़ी ज़्यादा लेवल्स में डिफरेंस है, जहाँ मैथमेटिकल ज़्यादा है वहाँ मेडिकल नहीं है, नॉर्मल में मेडिकल चलेगा। तो नॉन मेडिकल वाले देखेंगे इसमें, जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके वैल्यू होती क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो या तो मैं फंक्शन साइन लूँगा या मैं फंक्शन कॉस लूँगा। तो ये जब मैंने कैलकुलेट किया, जब मैंने साइन को डिफ्रेंशिएट किया जीरो से 0.01, तो मेरा आंसर जीरो नहीं आया, और जबकि मैंने कॉस को जब किया मेरा आंसर जीरो आ गया, कमाल की बात है। जब मैंने दोनों को इंटीग्रेट किया, मतलब इसने जान के वैल्यू ही टाइम की ऐसी ली कि एक फंक्शन जीरो आंसर दे रहा है, एक जीरो नहीं दे रहा, इसलिए इसका आंसर क्या लिखना पड़ा, मे बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन क्या लिया टाइम का, उस पर डिपेंडेंट है। वैसे ही ये क्वेश्चन ओरिजिनली सोचना इतना आसान नहीं है, हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है बिना इंटीग्रेशन के। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, तो टाइम पीरियड क्या है, 1/50, 1/50 टाइम पीरियड है, जीरो से टाइम पीरियड तक एवरेज वैल्यू साइन है चाहे कॉस है, आंसर जीरो होता है, आंसर जीरो होता है। 0.01 जो वैल्यू है वो टाइम पीरियड जो भी आएगा 1/50 उससे कम वैल्यू है, उससे कम वैल्यू आएगी, 1/50 से कम वैल्यू आएगी, तो वहां पर आंसर जीरो हो भी सकता है, नहीं भी, मैं कह नहीं सकता इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कहा नहीं जा सकता क्या होगा इसमें, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाँ मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप अपनी नॉलेज इसमें एसी की लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो नहीं, कुछ नहीं है, आप वापस चले जाएं अपने प्लस वन के अंदर और एसएचएम को याद करें, पीरियोडिक मोशन याद करें। मैं आपको एक रूल बताता हूँ पीरियोडिक मोशन का, जो बहुत आता है इसके ऊपर क्वेश्चन,
वो रूल लगाएं और एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर एक पेंडुलम है ना, पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल पेंडुलम है, तो अगर आपके पास एक पेंडुलम है देखो अगर आपके पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता क्या है, इधर से इधर आना और फिर वापस जाना, कैपिटल टी है। तो पेंडुलम की जो एनर्जी है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, चलो एग्जांपल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम, फिर क्या होगी मिनिमम, और फिर क्या होगी मैक्सिमम। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई वैल्यू, जब कोई टर्म अपने आप को रिपीट करती है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे यहां से लेके मैक्सिमम से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम, तो एक टाइम पीरियड होगा एनर्जी का। देखो डिस्प्लेसमेंट में माना जाता है इधर से वापस आना, लेकिन एनर्जी में माना जाता है मैक्सिमम से एक बार फिर से मैक्सिमम होना। तो एनर्जी का टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, टी बाय टू। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड होगा टी, एनर्जी का टाइम पीरियड हमेशा पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, टी बाय टू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्लियर है यहां तक? अब एनर्जी का टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब वो ये कह रहा है एनर्जी चाहिए मुझे मैक्सिमम से मिनिमम, तो मैक्सिमम से मिनिमम होने में टाइम क्या लगेगा, टी बाय टू का भी आधा, कितना, टी बाय फोर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एनर्जी जब मैक्सिमम से मिनिमम पे आती है तो टाइम पीरियड हमेशा टी बाय फोर होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाती है टाइम पीरियड हमेशा टी बाय टू होगा। याद रहेगा ये रिजल्ट, चाहे पेंडुलम है, चाहे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है जो चेंज हो रही है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ भी, एनीथिंग इन पीरियोडिक मोशन। ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर यही तो क्वेश्चन है, कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम 5 मिलीसेकंड में होती है, तो ऐसा करने में टाइम कितना लिया, टी बाय फोर। तो टी बाय फोर कितने, 5 मिलीसेकंड है, यहाँ से क्या आ गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आंसर। तो इसका एसी से क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं, इसका तो पीरियोडिक मोशन से लेना देना है। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? अब ये प्रैक्टिस है ना, यही चीज़ करवा रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा इसका। मैं आपको ये शीट करने के लिए दे नहीं सकता कि आप करके आ जाना, कैसे करोगे यार ये शीट, इस अगली शीट तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी, अगली शीट भी नहीं दे सकता। 3 शीट्स मैं खुद करवाऊंगा सारी, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं, हाँ उसकी अगली 3 शीट्स हो जाएंगी आपसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स मिनिमम हो जाएंगे आपके बुक्स में से, देखना। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मेंस नीट में बहुत आता है, मैंने आपको पहले एनसीईआरटी में भी आता है आया हुआ ये मेंस और पुराने पेपर में, नीट में देख लेना। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स मे रिप्रेजेंट रिएक्टेंस ऑफ एलसी सर्किट। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्टैंडर्ड ग्राफ करवाया था, आर का ऐसे होता है, एक्स एल का ऐसे होता है, एक्स सी का हाइपरबोला होता है, कराया था। वो कह रहा है रिएक्टेंस ऑफ एलसी, रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्स सी, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स एल एक्स सी का नहीं करना। वैसे तो कॉमन सेंस कहती है कि ग्राफ डी बनेगा, पता है क्यों बनेगा, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी आएगी जिसका नाम है रेजोनेंस, रेजोनेंस। जब इस फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस नेट क्या हो जाएगी, जीरो, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स, डी ऑप्शन आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डी ऑप्शन मार्क करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आपको मन में सोचना पड़ेगा। सीरीज ए सी सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, आर पता है, रिएक्टेंस 3, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, इंपीडेंस निकाल दो, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी आसान होगी अब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन ओनली एसी, डीसी में काम नहीं आता। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो आई की वैल्यू क्या गिवन है, I1 साइन ओमेगा टी एंड I2 कॉस ओमेगा टी, करेक्शन कर लेना, कॉस ओमेगा टी। ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, SHM में भी करते हैं। तो मैं पूछता था कि ये मैक्सिमम करंट है, नहीं मैक्सिमम करंट नहीं, तो अगर मुझे इसका मैक्सिमम करंट निकालना है तो मैक्सिमम करंट निकालने का शॉर्टकट क्या करवाया था, साइन का कोफिशियंट का स्क्वायर एंड कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर, मैक्सिमम करंट आ गया। आपको कौन सा करंट निकालना है, RMS, तो IRMS क्या होगा, I0/√2। तो सिंपली I1 स्क्वायर एंड I2 स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे,
रूट टू आंसर निकाल लेना, सी ऑप्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे सोच रहे हैं? ऐसे ये तो क्वेश्चन मेडिकल में बहुत आता है, या आया आरएमएस वाला कि मैं साइन कॉस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये लेवल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बाकी आप पुराने पेपर देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट हैविंग अ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब आई नॉट, मेटल वायर में है, टू प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट कॉन्स्टेंट करंट आई इज यूज वेयर आई आर एम एस इज। तो कह रहे हैं कि अगर मैक्सिमम करंट इतना है तो आई आर एम एस क्या होगा? आई नॉट बाई रूट टू आंसर। ये तो आसान क्वेश्चन है, आई नॉट दे रहा है, आई आर एम एस पूछ रहे आंसर। कॉन्स्टेंट करंट 2.8 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ रजिस्टर, कॉन्स्टेंट करंट है, आर एम एस करंट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जब कॉन्स्टेंट करंट है, चाहे वो डी सी है, डीसी का इक्विवेलेंट एसी में क्या मानना चाहते हैं? आई आर एम एस। तो यही करंट है इसका, कॉन्स्टेंट और आर एम एस। नेक्स्ट है एन इंडक्टर अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर ज्वाइंड इन सीरीज विद एसी, सो एलसीआर सर्किट है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू को क्या करता हूं? इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज होगा? XL, XL क्या होता है? तो साफ है किसकी रिएक्टेंस बढ़ेगी? इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि XL बढ़ेगा, रिएक्टेंस क्या होता है? XL, XL बढ़ जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज जीरो, रिएक्टेंस जीरो है, इट इज पॉसिबल दैट सर्किट कंटेन्स, तो क्या होगा? देखो वो कह रहा है रिएक्टेंस जीरो है, और रिएक्टेंस क्या होता है? अब रिएक्टेंस उसने इंडक्टेंस नहीं, इंडक्टिव नहीं बोला, कैपेसिटेंस नहीं बोला, तो एक्सएल एक्सी दोनों हो सकते हैं। तो कह रहा है रिएक्टेंस जीरो है नेट, तो या तो दोनों ही प्रेजेंट नहीं, या तो एक्सएल भी नहीं है, एक्ससी भी नहीं है, बात खत्म, या दोनों प्रेजेंट हैं, और दोनों ऐसे प्रेजेंट हैं कि XL और XC की वैल्यू एकदम बराबर है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस है, तो इसलिए रिएक्टेंस जीरो। तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो दोनों हैं या दोनों है ही नहीं, ठीक है यहां तक। 14th एन एसी सीरीज सर्किट इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो व्हेन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम, कह रहे जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, या वोल्टेज जीरो है करंट मैक्सिमम है, तो वोल्टेज और करंट में इसका मतलब फेज डिफरेंस फाई कितना है? 90। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब सर्किट में क्या लगा हुआ है? ओनली इंडक्टर, क्योंकि ओनली इंडक्टर में वोल्टेज और करंट में एंगल क्या होता है? 90। 90 का मतलब एक करंट जीरो तो वोल्टेज मैक्सिमम, या फिर प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज करंट में एंगल क्या होता है? 90, ये भी सही है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये केस कैसे करोगे? वो तो मैं मान गया 90 90, ये कैसे? अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है नहीं, सीरीज एलसीआर में 90 कैसे होगा? तो फाइव होता है वोल्टेज और करंट में एंगल, फाइव होता है, 90 कब है? ये एक केस कैसे प्रूव करोगे कि वोल्टेज और करंट में एंगल 90 आए और दोनों लगे हों, इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है? ऐसा हो सकता है? आप मुझे ये चीज बताएं, टेन फाइव क्या होता है? टेन फाइव सीरीज एलसीआर में एक्सएल एक्सी आर, मान लो एल भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है, मान लो आर नहीं लगा हुआ, हटा दो रजिस्टर, डिनोमिनेटर क्या हो गया? टेन फाइव क्या हो गया?
फाई क्या हो गया 90, आर हटा दोगे तो भी केस पॉसिबल है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? इसलिए वो ऑप्शन बनेगा, ठीक है यहां तक? ओनली इंडक्टर में तो है ही है, ओनली कैपेसिटर में भी है, लेकिन ऐसा भी केस पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखो इंडक्टर कॉइल हैविंग सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल। तो एक साइकिल के ऊपर एवरेज वैल्यू जीरो कब होगी? करंट या ईएमएफ की, वो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। करंट अगर साइन लें या कॉस लें, एंगल का कोई चक्कर नहीं, एंगल जो मर्जी लें, तो साइन लें या कॉस लें, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन का आंसर क्या था? जीरो। चाहे वो ईएमएफ ले लें, चाहे वो साइन में लें, चाहे कॉस में लें, चाहे करंट साइन में लें या कॉस में लें, एंगल जो मर्जी लें, जीरो से टी कंप्लीट साइकिल पे आंसर जीरो होगा, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज, दोनों हो सकते हैं। टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑब्वियसली डीसी या एसी डायनमो। एसी सोर्स रेटेड 100 वोल्ट, कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। सप्लाईज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, आई आरएमएस। एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई, यही है ना? कौन सा सर्किट है ये? आर एल आर एल सी आर क्या है? लिखा ही नहीं, पढ़ क्या रहे हो? बोल रहा है वो उसमें एल आर, बोला ही नहीं, पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई ये पता है, कॉस फाई की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन के बीच में कुछ भी हो सकती है, मुझे पता ही नहीं। अकेला आर होगा तो जीरो कर देंगे, लास्ट वैल्यू वन हो सकती है, इसके बीच बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अगर कॉस फाई की वैल्यू जीरो कर दी मिनिमम, तो पावर जीरो हो जाएगी। वन कर दी 1000, अब जब पता ही नहीं तो आंसर 0 और 1000 के कहीं बीच में होगा। क्लियर है यहाँ तक? पता होता तो कॉस फाई पुट कर दे, नहीं पता तो फिर कुछ भी हो सकती है। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक। इसके बाद